उन प्राकृतिक पदार्थों में भी जो जहरीले हैं, जो विषैले हैं, जो हानि कर सकते हैं, उनके लिए उसके अंदर शोधन का विधान है। यानी उन प्राकृतिक पदार्थों में भी जो विषैले तत्व हैं, जो हानिकारक तत्व हैं, उन तत्वों का हम शोधन करके ही हम प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में हम किसी भी तरह के रासायनिक पदार्थों का, जो केमिकल्स होते हैं, किसी भी तरह का केमिकल का प्रयोग आयुर्वेद में नहीं होता है, क्योंकि ये लोगों को पता होना ज़रूरी है। जितना लोगों के शरीर में नुकसान केमिकल के पदार्थों से होता है, हम कोई एलोपैथिक के विरोधी नहीं है, पर मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता से कह सकता हूँ कि एलोपैथिक का जो दुष्प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। लोग पूर्वाग्रह से, दुराग्रह से, अज्ञानता से या आयुर्वेद को न समझने की वजह से कई लोग कहते हैं कि आयुर्वेद किडनी खराब कर देती है, लीवर खराब कर देती है। हालांकि इस तरह के केसेस हमने बहुत कम देखे, कहीं हमने देखा ही नहीं, मैं ये कहूँ, पर बाकी केमिकल की वजह से बिगड़े हुए केसेस तो हमारे यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर हमारे पास आते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक औषधियाँ यदि उचित मात्रा में दी जाए, ठीक सी बनी हुई औषधियाँ हो, तो हम पूरी प्रामाणिकता से कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियाँ हमारे शरीर पर, हमारे मन पर किसी भी तरह से कोई विषैला या बुरा प्रभाव नहीं डालती हैं। तो ये जो आज एक जो भय दिखाया जा रहा है धातुओं को लेकर के, ये प्राकृतिक जितने भी जो मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, जड़ी बूटियाँ लेकर के, ये जो दिखाया जा रहा है, एक तरह से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा भ्रम है। उस षड्यंत्र और भ्रम के पीछे हमारे जो एलोपैथिक बंधु हैं, मैं तो बहुतों को जानता हूँ, तो वो लोग निराधार, क्योंकि उनके पास नुकसान करता है इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, परंतु लाभ करता है इसके हजारों प्रमाण होने पर भी, क्योंकि आधुनिकी समाज जिसको कहा जाता है, उनमें इस तरह की बातें की जाती है, तो बात की जाती है तो वो ऐसा महसूस करते हैं कि शायद इनसे जो है ये नुकसान होता है। पर मैं ये पूरी तरह से इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, हम लोगों ने टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनिमल ट्रायल्स, सब कुछ किया है। आप आइए PRI में, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, हम हर तरह की रिसर्च करते हैं और इनको शुद्ध मात्रा में हम प्रयोग कर करके, और एनिमल ट्रायल में हमने 10-10 गुनी मात्रा में, चाहे वो पारद वाली औषधि हो, चाहे वो धातुएं वाली औषधि हो, चाहे विविध तरह के जो मेटल्स हैं, उनका प्रयोग किया और हमने ये पाया है कि इनका हानि रहित ही है। ये किसी तरह से, ये धातु युक्त औषधि जो है हमारे शरीर में किसी तरह से, जो उनको जो शोधन प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर करके उनको जब पृथक किया जाता है तो हानि रहित होते हैं। और इन औषधियों के निर्माण में, जो प्रयोग में, सावधानी जरूर बरतनी चाहिए और शास्त्रों के ढंग से हमको उसका शोधन करना चाहिए। तो इन जो विषैले जो वानस्पतिक पदार्थ हैं, जैसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी जहरीली होती हैं, जैसे कुचला है, भिलावा है, आक है, इनका प्रयोग भी सीधे तौर से नहीं किया जाता है। नहीं, जड़ी बूटियों को भी जब जो विषैली होती हैं, जहरीली होती हैं, उनमें आयुर्वेद में वर्ण है, उनका शोधन करना है, शोधक करके प्रयोग करना है। तो ये सारी बातों को जो है, यदि अनेक प्रकार की जो उसकी जो प्रक्रियाएँ हैं, उसका भी आयुर्वेद में बहुत विशद वर्णन है, उसी प्रक्रिया के तहत तो उसको शुद्ध किया जाता है। इनके शोधन के बाद में ही तब ऐसा योग्य बना लिया जाता है कि वो हमारे शरीर की सभी धातुओं में आसानी से वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए, वो किसी तरह से हानि ना करें और वो लाभकारी हो। तो वो सारी जो औषधियाँ हैं, फिर एक औषधि ना होकर के वो हमारे लिए रसायन का काम करती हैं,